चुनावी मौसम में यात्राओं की सियासत तो हो गई और अब सियासतदानों को लगता है कि यात्रा ही उनका बेड़ा पार करेगी। यात्राओं के गणित में तो मुख्यमंत्री रघुवर दास सबसे आगे नजर आ रहे हैं। सीएम की 5 साल की यात्रा दिखाती है रिपोर्ट। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ग्राउंड वर्क में ज्यादा विश्वास करते हैं। 5 साल में सीएम ने झारखंड के हर जिले का दौरा कर जिलों की वस्तु स्थिति को न सिर्फ समझा बल्कि उन जिलों में लोगों से संवाद किया। सीएम रघुवर दास झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ग्राउंड पर इतना वर्क किया। अब ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए सीएम के 5 साल में जिलावार उनकी यात्रा। सीएम ने जन आशीर्वाद यात्रा का सीधा जनता से जुड़ने की कोशिश की। आंकड़ों के माध्यम से अगर जन आशीर्वाद यात्रा को समझें, 18 सितंबर को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जामताड़ा से इसकी शुरुआत की। संताल परगना में यात्रा ने 6 दिन में 581 किलोमीटर का सफर तय किया। कोल्हान में 6 दिन में 486 किलोमीटर का सफर तय हुआ। उत्तरी छोटा नागपुर में 6 दिन में 454 किलोमीटर का सफर तय किया। लातेहार के मनिका में यात्रा 1 दिन रही। पूरे यात्रा में 57 छोटी और 38 बड़ी सभा हुई। हर दिन औसतन 2 लाख लोगों से सीधा संपर्क हुआ। जन आशीर्वाद यात्रा 19 दिन की थी जिसमें 38 लाख लोगों से संपर्क हुआ। उनकी नुक्कड़ यात्राओं में उमड़ रही है उतना यहाँ बड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे दल ने हरमू मैदान में भी उतनी भीड़ नहीं जुटाई, तो ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से झारखंड का पूरा जो नजरिया है वो बदल रहा है और झारखंड में जो हमारा 65+ का लक्ष्य है हम उसकी प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री जी छठ के तुरंत बाद। अब इन आंकड़ों से समझें तो मुख्यमंत्री रघुवर दास साफ तौर पर 5 साल में सबसे ज्यादा सफर तय करने वाले मुख्यमंत्री हैं और यही बात उन्हें दूसरों से अलग बना। जब जोहार जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी आप सब कवर कर रहे थे तो कैसे देखा आपने संथाल के अंदर सड़कें बहुत अच्छी थी, बिजली आपूर्ति बहुत ठीक थी, गांव-गांव टोला टोला आपने स्ट्रीट लाइट देखी। आपने हमने तो कल्पना नहीं की थी कि संथाल जैसे जगह पे पाइपलाइन से पानी जा रहा हो। यही संथाल है जो 5 साल पहले लोग संथाल जाना नहीं चाहते थे, नंगे बदन रहते थे संथाली, कपड़ा नहीं होता था तन पे। 5 साल पहले बिजली और सड़क और पानी तो छोड़ दो, इन 5 सालों के अंदर विकास किस कदर पहुंचा और 65 सालों तक विकास को संथाल से दूर रखा गया। नहीं, संथाल को वोट बैंक बनाओ, वहां तक स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंचे, सड़क नहीं पीले, पानी नहीं पहुंचे, बिजली नहीं पहुंचे, एकदम दूर रखा गया। तभी तो संथाल में जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हजारों की तादाद में लोग अभिनंदन करने उठे, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, जवान हो। कोई पार्टी के तरह से कोई व्यवस्था नहीं थी कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं आपको व्यवस्था दे रहे हैं, भाई आप आ जाओ आप भी स्वागत करो, कुछ नहीं। वो स्वतः स्फूर्त था जिसका परिणाम हुआ कि आप देखो जो राजनीतिक पंडित हैं संथाल के मीडिया के मित्र हैं वो कहने लगा कि साहब भाजपा ने भयंकर सेंधमारी की है और जो सेंधमारी हुई है वो विकास के बल पे हुई है। अब जब चुनाव का वक्त नजदीक है तो ऐसे में जनता उसी के सुनेगी जिसने जनता की सुनी। अब देखना यह है कि जनता सुनती किसकी है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची।